क्लास 8 के सिविक्स में से चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, द यूनाइटेड नेशन। और ये जो चैप्टर है आपके T1 के सिलेबस में से है बच्चों। सो इस चैप्टर में हम इस यूनाइटेड नेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, या यूनाइटेड नेशन जो है एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। और इसको जो है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाया गया, या इसके मतलब क्या सरकमस्टांस थे जिसकी वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन बनाने की ज़रूरत पड़ी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाने की ज़रूरत पड़ी, और इस ऑर्गेनाइजेशन के मेन रोल्स क्या है, मेन फंक्शंस क्या है बच्चों, हम इस चीज़ के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इसके कितने ऑर्गन्स है, ये ऑर्गन्स किस तरह से काम करते हैं, या हर ऑर्गन्स का कितने मतलब क्या क्या फंक्शंस है, और इसमें जितने भी एजेंसीज है यूनाइटेड नेशन के, जैसे अभी WHO है या यूनिसेफ है, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपके अपने सामने ये बुक भी सामने रखना है, अपने सामने रख के इसमें से जो मेन मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आपको अंडरलाइन करना है बच्चों, क्योंकि इससे क्या हो जाता है कि आपके दिमाग में एक इस चैप्टर के बारे में एक ओवरव्यू जो है आपके दिमाग में बन जाता है। तो आप जब चैप्टर को रिवाइज़ करेंगे तो इजीली आपको जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है, जो अंडरलाइन आपने किया है, वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और चैप्टर के बारे में अच्छे से ओवरव्यू जो है आपको याद भी रहेगा, ठीक है। चलो हम शुरू करेंगे इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर में जो है आपके बुक पे जैसे दिया हुआ है, द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड द सेकेंड वर्ल्ड वार की वजह से ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाने की ज़रूरत पड़ी, या ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है कब हो गया था, इन 1914 और 1918 के बीच में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, ठीक है। तो इस वार की वजह से बहुत ज़्यादा मैसिव डेथ एंड डिस्ट्रक्शंस हो गए थे। तो इस वजह से जो है हमारे जो लीडर्स है, या हमारे जो लोग है वर्ल्ड में, जो लीडर्स है या जो लोग है, उनको एक रियलाइजेशन हो गया कि दुनिया में अमन रखना जो है बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये वर्ल्ड पीस जो है मेंटेन रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज़रे लोगों को ये रियलाइज़ होने लगा। तो इस रियलाइजेशन का मेन कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहा कि इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया लीग ऑफ नेशन करके, ठीक है। तो ये जो लीग ऑफ नेशन है ये कब बनाया गया, इन 1920 में। और ये जो लीग ऑफ नेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन, इसको जैसे हमने पहले बताया कि दुनिया में अमन रखने के लिए बनाया गया, ठीक है। लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये फेल्ड हो गए, ये मतलब इस काम को अच्छे से नहीं कर पाया, या अंजाम नहीं दे पाया। सो इस वजह से जो है ये फेल हो गया। तो दुनिया में सेकंड वर्ल्ड वॉर, यानी वर्ल्ड में सेकंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट हो गया इन 1939 में, जो 1945 तक कंटिन्यू रहा, ठीक है। और इस वॉर में भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस हो गए था, तो डिस्ट्रक्शंस एंड सफरिंग बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो इस वॉर को जो है हम लोग मोस्ट एक्सपेंसिव वॉर मानते हैं, ठीक है। इसको मोस्ट एक्सपेंसिव वॉर क्यों मानते हैं बच्चे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लॉस, लाइफ लॉस हो गया था, प्रॉपर्टीज लॉस हो गए थे, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम इस वॉर में जो है एटम बम का भी इस्तेमाल किया गया था। सो इस वजह से लोग मर्सीलेसली लोग जो है मर गए, और लोग डिसेबल हो गए, ठीक है। तो इसको जो है हम मतलब ये हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कितना ज़्यादा सफरिंग्स जो है इस वॉर की वजह से हो गए पूरे वर्ल्ड में, जिस तरह से इसके मतलब इफ़ेक्ट्स रहे बहुत ज़्यादा, मतलब इस चीज़ को हम एस्टिमेट भी नहीं कर सकते, ठीक है। अंदाज़ा भी हम नहीं लगा सकते कि हम से गया मिशिप इन सुख, हम से डिस्ट्रक्शन हो मिन सुख, ठीक है। सो दे वजह का, ठीक है, ये जो दो वॉर हो गए, इस वजह से हमारे जो बड़े बड़े लीडर्स है, हमारे वर्ल्ड में जो लीडर्स है या वर्ल्ड के जो लोग है, उनको वॉरिड होने लगे, अब चिंता होने लगे कि अगर को तो इन फ्यूचर इस तरह के वॉर्स
दोबारा से हो गया तो हमारा जो वर्ल्ड है ये पूरी तरह से वाइप्ड आउट हो जाएगा या पूरी तरह से वो ख़त्म हो जाएगा ज़रे, ठीक है। तो इन्होंने एक इनको ये रियलाइज़ हो गया कि हमें एक ऐसा स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है जो क्या कर सके, वर्ल्ड में जो हॉरर ऑफ वॉर है, ठीक है, और जो डिस्ट्रक्शंस मतलब आज तक हो गए या जो डिस्ट्रक्शन की वजह से या हॉरर ऑफ जो वॉर है या जो वर्ल्ड पीस को प्रमोट कर सके, ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की हमें ज़रूरत है ज़रे हमारे वर्ल्ड में जो है लोगों को ये रियलाइज़ होने लगा थोड़ा। फिर इसके बाद इसमें जो है सबसे पहला जो है यहाँ पे इन नवंबर 1943 में द डेलीगेट्स ऑफ, यानी जैसे डेलीगेट्स मतलब लीडर्स को चुरा, जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं उन्होंने जैसे यूएसए के, यूएसएसआर, ठीक है, दुनिया, ग्रेट ब्रिटेन, चाइना, इन चार बड़े बड़े कंट्रियों ने मिलकर मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाने का सोचा कि जो वर्ल्ड में क्या कर सके, अमन बरकरार कर सके या वर्ल्ड पीस जो है मेंटेन कर सके, वर्ल्ड सिक्योरिटी के लिए या दुनिया में पीस के लिए, अमन के लिए एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाने का इन्होंने सोचा। और इन्होंने ये जो फोर कंट्रीज है इन्होंने एक ऐसा प्रपोजल जो है ड्राफ्ट किया, ठीक है, ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने का। तो फाइनली इसमें जो है 50 नेशंस ने इंक्लूडिंग इंडिया चूरा यानुगति इंडिया शामिल उत्पिनसोक, ठीक है, 50 नेशंस इंक्लूडिंग इंडिया इन्होंने जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का चार्टर जो है फ्रेम किया या तैयार किया, प्रिपेयर किया, ठीक है। और ये जो चार्टर है ये अब चार्टर हम बाद में इसके बारे में बताएंगे आपको कि चार्टर क्या होता है, ठीक है। इस चार्टर के बारे में इस चार्टर को जो है इन्होंने प्रिपेयर किया और इसको ये जो चार्टर है कम इनटू इफेक्ट ऑन अक्टूबर 24, 1945 को जो है ये इफेक्ट में इसको लाया गया। और तब से जाके हम 24 अक्टूबर को एज ए यूनाइटेड नेशन डे करके हम मनाते हैं, ठीक है। और इस ऑर्गेनाइजेशन का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ इन न्यूयॉर्क में है, ठीक है, न्यूयॉर्क में इसका मेन ऑर्गेनाइजेशन है। और यूनाइटेड नेशन में एट प्रेजेंट यानी दक्षस से टाइम पे 193 नेशंस जो है इसमें यूनाइटेड नेशन मेंबर्स है, जिसमें ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज जो है इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और अब इसके नीचे जो है आपके यूनाइटेड नेशन में, यूनाइटेड नेशन के चार्टर के बारे में दिया हुआ है। तो यूनाइटेड नेशन चार्टर हम किससे कहेंगे, चार्टर जो है एक यूनाइटेड नेशन के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह है बच्चा, जिसमें यूनाइटेड नेशन के मेन एम्स यानी उनके मेन मकसद और द प्रिंसिपल, यूनाइटेड नेशन के मेन एम्स और इनके प्रिंसिपल को जो है लिखा गया है या प्रिंसिपल को इसमें स्टेट किया है, ठीक है, प्रिंसिपल यानी उसूल को जैसे हम कहते हैं, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन के जो जैसे हम कहेंगे यूनाइटेड नेशन में सॉरी इस चार्टर में जो है मेन इसके एम्स और इसके मेन प्रिंसिपल बताया गया है या प्रिंसिपल जिसमें लिखा होता है या स्टेट किया हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशन के चार्टर। जैसे कि होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहला जो प्रीएम्बल होता है ना, सेम इसी तरह से यहाँ पे मतलब एक चार्टर लिखा हुआ है जिसमें मेन मकसद और प्रिंसिपल इनके मेन एम्स और उसूल्स दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें जो है यूनाइटेड नेशन के जो चार्टर है इसमें इसके मेन
पर्पस यानी इसके मेन मकसद के बारे में लिखा हुआ है, जैसे कि इनका मेन मकसद क्या है। सबसे पहला हम यहाँ पे आपके बनाया गया है इसका ये चीज़ हमें यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे सबसे पहला तो जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में बताया कि फर्स्ट वर्ल्ड वार या सेकंड वर्ल्ड वार हो गया, तो हमारे वर्ल्ड के जो लोग हैं या जो लेटर्स हैं उनको रियलाइज़ हुआ कि वर्ल्ड पीस जो है मेनटेन रखना बहुत ज़रूरी है। ज़रिए उनको उन्होंने उनको ये चीज़ रियलाइज हुआ थोड़ा। तो इसमें जो है सबसे मेन पहला जो पॉइंट यहाँ पे दिया है, टू कीप पीस थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में अमन बरकरार रखना। सेकंड इनका मेन मकसद है टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन द नेशंस, जितने भी नेशन से इनके बीच में एक कॉर्डल रिलेशन रखना, ताकि इनके बीच में कोई जो भी कन्फ्लिक्ट होता है, जो भी जैसे हम कहते हैं इस तरह इश्यूज होते हैं, इनको मतलब इजीली सॉल्व बचा, फ्रेंडली रिलेशन जगचा थोड़ा। सेकंड चीज़ टू वर्क टुगेदर टू हेल्प पीपल टू लिव बेटर लाइफ थोड़ा, और इस तरह से काम करना नेशंस के साथ, सारे नेशन मिलकर इस तरह से काम करना ताकि लोग एक अच्छा ज़िंदगी जिए, ठीक है। टू एलिमिनेट पॉवर्टी डिजीज़ एंड इलिटरेसी इज द इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में पॉवर्टी को ख़त्म करना, डिजीज़ को या जो इलिटरेसी है इन चीज़ों को ख़त्म करना, इस तरह के प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना मेन एम्स ऑफ यूनाइटेड नेशन है। टू स्टॉप इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शंस, ठीक है, दुनिया में जो इन्वायरमेंटल हमारे जो इन्वायरमेंट में जो डिस्ट्रक्शंस हो रहे हैं उनको भी ख़त्म करना यूनाइटेड नेशन का मेन मकसद है। टू एनकरेज रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स राइट एंड फ्रीडम, ठीक है, और द लास्ट इज़ टू बी ए सेंटर फॉर हेल्पिंग नेशन अचीव दीज एम्स, इन एम्स को पूरा करने के लिए एक ऐसा हेल्पिंग नेशन की तरह काम करना, ठीक है। सो नेक्स्ट इसके बाद दिया हुआ है प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, यानी जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि यूनाइटेड नेशन के चार्टर में क्या लिखा होता है, इनकी मेन मकसद और इनका जो मेन प्रिंसिपल है, मेन उसूल से इसके बारे में दिया है। तो आज इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशन, आपके बुक पे दिया हुआ है बच्चों, आप इसको कॉपी पे नोट डाउन करके रखिए, द एम्स ऑफ यूनाइटेड नेशन करके, या फिर इसके बाद इसको ये जो पॉइंट्स लिख लेना, इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशन, इसके पॉइंट्स जो भी आप बुक पे या कॉपी पे नोट करके रख लेना, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशन यानी प्रिंसिपल यूनाइटेड नेशन के मेन उसूल्स क्या है इनके, ठीक है। ऑल मेंबर स्टेट्स हैव सोवरेन इक्वालिटी, ठीक है, ऑल मेंबर स्टेट मस्ट ओबे द चार्टर्स, ठीक है, चार्टर में जो भी दिया हुआ उसको हमें, या जैसे कि जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशंस को हम ओबे करते हैं, सेम इसी तरह से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं इनको इस चार्टर को जो है ओबे करना है। कंट्रीज मस्ट ट्राई टू सेटल दियर डिफरेंसेस, और कंट्रीज़ के बीच में जो भी डिफरेंसेस है, या जैसे मिसाल दो कंट्री के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है, कोई डिफरेंसेस है, तो इसको पीसफुली इनको क्या करना चाहिए, पीसफुली इसको सॉल्व करना चाहिए, सेटल करना चाहिए, ठीक है। कंट्रीज मस्ट अवॉइडिंग यूजिंग फोर्स और थ्रेटनिंग टू यूज फोर्स, ठीक है। यूनाइटेड नेशन नॉट इंटरफेयर, यूनाइटेड नेशन को जो है कोई भी कंट्री के जो डोमेस्टिक अफेयर्स है इसमें इंटरफेयर नहीं करना है, ठीक है। कंट्रीज शुड ट्राई टू असेस द यूनाइटेड नेशन और टू अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन सॉल्विंग, थोड़ा कंट्रीज़ के बीच में ऐसा एक कॉर्डल रिलेशन रखना, ठीक है, इन ताकि जिससे क्या हो सके कि जो भी इकोनॉमिक है, सोशल है, कल्चरल है या ह्यूमैनिटेरियन जो प्रॉब्लम्स है उनको जो है इजीली सॉल्व कर सके। एंड प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, और ह्यूमन राइट्स के जो रिस्पेक्ट है इसको भी प्रमोट करना। एंड फंडामेंटल फ्रीडम फॉर ऑल, हर किसी के लिए जो फ्रीडम है उसको प्रमोट करना, इन चीज़ों को प्रमोट करना, या जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, सोशल प्रॉब्लम्स है, कल्चरल प्रॉब्लम्स है या ह्यूमैनिटेरियन जो प्रॉब्लम्स है इनको इजीली सॉल्व कर सके। तो इस वजह इसके लिए क्या करना चाहिए, कंट्रीज़ के बीच में जो है एक कॉर्डल रिलेशन जो है रखना होता है, ठीक है। दस हम क्या कहेंगे कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो है मेन मकसद क्या है, प्रिजर्विंग पीस, इनके जो ऑब्जेक्टिव से इसकी तरह मतलब मिलता जुलता है, लो हमारे इंडिया के प्रिंसिपल्स भी, हमारे इंडिया के मकसद भी सेम यूनाइटेड नेशन की तरह है, लो थोड़ा।
सो यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम इनके ऑर्गन्स के बारे में और इनके यूनाइटेड नेशन के एजेंसीज के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।